सवाल नहीं हो पाए थे उसे दोबारा भी रिकॉर्ड हो जाएंगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर वन से मैं आज सीक्वेंस में ही करा रहा हूं, है ना, सीक्वेंस में ही करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन 9.1, और केवल मोमेंटम दूंगा, करना आप अपने आप। एक स्टील वायर है, ठीक है, और एक कॉपर वायर है। इन दोनों की लेंथ दे रखी है सवाल में, एरिया भी दे रखा है इसका, इसका एरिया दे रखा है सवाल में दे रखा है, ठीक है। और लिखूं तो लिख ही देता हूं, ये 4.7 है मीटर, और ये 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है। इसकी लेंथ दे रखी है 3.5 मीटर, और इसकी दे रखी है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये एरिया। अब क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज दैट ऑफ कॉपर, ये वायर उतना ही खिंचता है जितना ये खिंचा अंडर अ गिवन लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलाई ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। इस सवाल में हमको ये निकालना है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये रेशियो आपको निकालना है इन डाटा से हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या, हम सब जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, एफ अपॉन ए डेल्टा एल, एल होता है ऐसे करके, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस का। आई एम गिविंग टू इक्वेशन नंबर वन, कई बार पास में बता चुका हूं। इतना है बेटा स्ट्रेस और ये होता है स्ट्रेन, देखो ये इतना इतना हिस्सा स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये डेल्टा एल यहां पहुंच जाता है, एल यहां पहुंच जाता है, ये फॉर्मूला ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब इस सवाल में फिर से सुनना है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब जब ये फॉर्मूला मैं इसको 3 बार यूज करेंगे, क्योंकि वाई बराबर ये होता है तो वाई बराबर ये होगा, क्योंकि वाई बराबर ये होता है तो वाई बराबर ये होगा। अब 3 बार क्यों, वो इसलिए कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। एक बार जब हम इसे स्टील के लिए यूज करेंगे तो स्टील की लेंथ, स्टील का एरिया, जब ये फॉर्मूला मैं कॉपर के लिए यूज करूंगा तो कॉपर की लेंथ, कॉपर का एरिया, ये डाल दूंगा। अब यहां पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने लेंथ पर ही एस वर्ड क्यों डाला, एरिया पर ही एस वर्ड क्यों डाला, फोर्स और डेल्टा एल पर, फोर्स और डेल्टा एल पे कॉपर कॉपर स्टील क्यों नहीं डाला। क्योंकि इस सवाल को जब आप गौर से पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी लेंथ अलग है, एरिया अलग है, लेकिन स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, दोनों एक जैसा खिंच रहे हैं, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, दोनों एक जैसा ही खिंचे और अंडर अ गिवन लोड, एक जैसा लोड लटकाने के बाद, तो दोनों पे फोर्स भी एक सी लगी, खिंचे भी एक से, तो इसलिए इन पर एस और कॉपर डालने की जरूरत नहीं है। अब हमें इनका रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये डिवाइड करूंगा तो ये एफ और डेल्टा एल कट जाएंगे, एफ और डेल्टा एल कट जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कौन ऊपर कौन नीचे आएगा, एल एस स्टील, एल कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ स्टील, ये आएगा, ये रेशियो निकल जाएगा। बता रहे डाटा आपको दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द आंसर गलत है, तो मैं आंसर भी लिख देता हूं, आप ये वैल्यू डाल देना, ये आंसर 1.79 आएगा। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो सीक्वेंस में नहीं, वैसे ही कराता हूं रेंडमली। 9.5, हम 9.5 लेते हैं, ठीक है। 9.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट कराता हूं, है ना, जहां रुकना होगा वहीं रुकूंगा। दो वायर है, दोनों वायरों का डायमीटर दे रखा है, ठीक है, और इस तरीके से लटके हुए हैं ऐसे, ये कौन है, स्टील, ये स्टील है, और इस पर 4 kg लटका हुआ है, 4 kg, फिर इस पे ब्रास वायर है, ये ब्रास वायर है, ठीक है, और इस पर भी कुछ वजन लटका है, ये 4 kg वजन लटका है और ये 6 kg वजन लटका है, और यहां पर जो 1.5 मीटर लिखी है और ये 1 मीटर लिखी है, सवाल ने जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि ये 1.5 मीटर लेंथ, 1.5 मीटर लेंथ तब है जब स्टील पे कुछ लटकाया नहीं था, अनलोडेड लेंथ, लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो अनलोडेड लेंथ, ये स्ट्रेस लेंथ नहीं है, ये लेंथ नहीं है, ये अनलोडेड लेंथ है। तो हमें क्या निकालना है, अच्छा इस सवाल में इनके डायमीटर भी दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दोनों का एक से अलग अलग नहीं है। तो सवाल कह रहा है कि स्टील कितना खिंचा और ब्रास कितना खिंचा,
ये स्टील भी खींचेगा ब्रास भी खींचेगा, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो यही सवाल इक्वेशन दोबारा उठा रहा हूं मैं, ठीक है भाई, यंग्स मॉडुलस, क्योंकि लेंथ खींच रही है, क्योंकि इसमें भी लेंथ खींच रही है, तो यंग्स मॉडुलस का ही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सिंस यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल ए डेल्टा एल, यही होता है फॉर्मूला, बोलो, है ना, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला दोबारा से उठा लिया। तो यहां से क्योंकि हमें डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल माने चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन जो भी प्रोड्यूस हुआ है इस सवाल में, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया एफ एल ए वाई, भाई वाई को इधर ले जाओ, डेल्टा एल को इधर ले जाओ, और यहां एफ का रोल कौन प्ले कर रहा है, एम जी, तो एफ की जगह मैं एम जी लिख देता हूं, एफ की जगह मैंने हटा के एम जी लिख दिया, क्योंकि लोड, अब ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा इसमें इस समय। तो यही फॉर्मूला स्टील, देखो यही फॉर्मूला आप स्टील के लिए लगाओगे, और यही फॉर्मूला आप ब्रास के लिए लगाओगे। तो जब आप स्टील के लिए लगाओगे तो स्टील पर कितना वजन लटक रहा है बताइए, स्टील पर कितना वजन लटक रहा है, तो स्टील पे तो ये 4 और ये 6 दोनों ही लटक रहे हैं, तो यहां एम की जगह रखूंगा मैं 10 इंटू 9.8 जी, लेंथ उसकी जो 1.5 मीटर है अनलोडेड लेंथ, एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, मतलब जब आप ये स्टील के लिए यूज करोगे तो स्टील का डाटा डालोगे, स्टील पे जो लोड लगता है वो जी तो सबके लिए 9.8, स्टील की ओरिजिनल लेंथ 1.5, स्टील का एरिया। अच्छा एरिया कैसे निकलेगा, जब हमको डायमीटर पता हो तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस के टर्म में पाई आर स्क्वायर से निकलता है ना, ये जो एरिया होता है ये वाला एरिया जो होता है, पर जब रेडियस नहीं दे रखी हो डायमीटर से रखा हो तो या तो रेडियस निकाल लो पहले, या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो इस से एरिया निकाल लोगे, डायमीटर दोनों का सेम है। तो जब आप ये फॉर्मूला कैलकुलेटर लगाओगे घर पे करिएगा, यदि आपको कैलकुलेशन करनी ही है तो घर पे करिएगा, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, तो बताइए स्टील पे वेट लटक रहा है 10, 4 ये 6 ये 10, उसका जी 9.8, स्टील की लेंथ 1.5, एरिया यहां से आप निकाल लीजिएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। और जब आपको किसी सवाल में यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़े तो आपको ना यहाँ कुछ टेबल दे रखी है बेटा, पीछे ये टेबल दे रखी है, ठीक है टेबल, तो इस टेबल में एक टेबल 9.1 है, एक टेबल आगे जाओगे तो 9.2 है, एक में 9.3 है। ये जो टेबल है कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल के यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस के दे रखे हैं। यदि सवाल में नहीं दे रखे तो इन टेबल पे जाओगे। जैसे मुझे स्टील का ये निकालना है, तो मुझे स्टील का यंग्स मॉडुलस चाहिए, तो मैं इस टेबल में गया, तो इस टेबल पे क्या लिख रहा है, स्टील यंग्स मॉडुलस वाले खाने में, नई बुक में डेंसिटी भी लिख रही होगी और भी कुछ, तो आप यंग्स मॉडुलस वाले खाने में जाएंगे। और ध्यान रखना ये 200 नहीं लिख रही, ऊपर पावर भी ऐड कर देनी है, 200 × 10⁻¹, ये यंग्स मॉडुलस स्टील का 200 × 10⁹, ये रख देना है आपको जिसकी भी जरूरत पड़े। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे घर पे, तो ये जो आंसर आने वाला है 1.49, क्या बेटा देव, नहीं ये याद नहीं कर रहे, देव पूछ रहे यंग्स मॉडुलस याद करने, नहीं एग्जाम में मिलेंगे, एग्जाम में ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1.49, ये मैं कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर गलत दे रखे हैं बहुत सारे इस चैप्टर के, सिर्फ इस चैप्टर के। तो डेल्टा एक्सटेंशन इन स्टील इतना आएगा। तो बस यही फॉर्मूला, अब यही फॉर्मूला आप ब्रास वायर पे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, ब्रास पे जब एक्टिवेट करोगे तो एम कितना रखोगे, तो ये जो ब्रास वायर है, ये इस पे 6 केजी लटक रहा है, तो यहां 6 रखेंगे, यहां 9.8 रखेंगे, जो इसकी लेंथ है, लेंथ 1 मीटर वो रख देंगे, एरिया रख देंगे, अच्छा एरिया एक जैसा होगा, एरिया दोनों का एक सा होगा, यही वाला एरिया, क्योंकि दोनों के डायमीटर एक से। अब यहां किसका यंग्स मॉडुलस रखेंगे, क्योंकि जब आप ब्रास के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ब्रास की इज्जत का सवाल है, तो ब्रास का यंग्स मॉडुलस रखोगे जो कि इस टेबल में नहीं दे रखा होगा, तो उसे लिख लीजिए, ब्रास का 91 होता है, उसी में लिख लीजिए, हो सकता है कुछ बुक्स में दे रखा हो, तो 91 × 10⁹ ब्रास का जो यंग्स मॉडुलस होता है। तो ये जो लुट पिट के आंसर आएगा, ये आएगा 1.3 × 10⁻⁴। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कि कैसे करते हैं ये सवाल, कल रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे इसलिए मुझे आज दोबारा बताने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आज एक ऐसी रिकॉर्डिंग होगी जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
पहले बताइए, ये मैं उम्मीद करूं दोनों सवाल समझ में आ गए, दोनों आ गए, और आज थोड़ा स्पीड से भी खींच रहा हूं, है ना, ये दोनों समझ में आ गए ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। ठीक, एक्चुअली नेक्स्ट नहीं, मैं अभी यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड ही सवाल उठा लेता हूं, यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड ही। ठीक, फिर एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला, यंग मॉडुलस का 9.5 हो चुका, ठीक है, ये लेते हैं 9.10 लेते हैं। ये क्या सीन है कि एक रिजल्ट बार है 15 केजी की, ये एक रोड है बेटा, ये रोड है, ये ठीक है, ये रोड है ठीक है 15 किलो की, और ये ऐसे लटका रखी है, कैसे लटका रखी है 15 किलो की रोड, यहां पर एक वायर है, यहां पर एक वायर है, और यहां बीच में एक वायर है, तीन वायरों से सपोर्ट करके लटका रखी है। जो ये वाले वायर है वो कॉपर के है, सीयू कॉपर, और बीच वाला आयरन का है ना, और इस सवाल में जो दे रखा है, चाहे वो कॉपर का वायर हो चाहे आयरन का वायर हो, दोनों की लेंथ 2 मीटर दे रखी है। अब जैसा सवाल बोल रहे हैं, पहले तो मैं वो लिख रहा हूं कि एक रॉड है 15 किलो की जो तीन तारों से लटका रखी है, दोनों की लेंथ बराबर है। अब आगे क्या रखा है, दोज एट द डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव सेम टेंशन। सवाल यह कि आप इनके डायमीटर का रेशियो निकालना है, इनके डायमीटर का रेशियो निकालना है, ठीक है, मतलब डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन, ये रेशियो आपको निकालना है। एक चीज और दे रखी है इस सवाल में, एक चीज और दे रखी है, वो ये दे रखी है कि यदि इन तीनों पर टेंशन सेम हो, इफ ईच हैज टू हैव सेम टेंशन, ये यदि तीनों में टेंशन सेम हो, टी तो डायमीटर का रेशियो क्या हो। चलिए करते हैं, सवाल आसान है, बस इस सवाल में एक चीज मैंने कल भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं कि देखो, यदि ये सवाल इस अंदाज में होता कि यदि ये जो रॉड है, ये रॉड सिर्फ दो तारों से लटक रही होती, कॉपर से और आयरन से लटक रही होती, बीच में कोई तार नहीं होता, इमेजिन करो किनारे पे दो तार होते, एक कॉपर होता एक आयरन होता, कॉपर और आयरन, और मैं रॉड लटका देता, तो पता है एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, हो सकता है इस तरीके से यू सीन क्रिएट हो जाता। देख रहे हो आप क्या सीन क्रिएट किया है मैंने, थोड़ा टेढ़ा बनाया है, टेढ़ा ढंग से नहीं दिख रहा था, दोबारा और बनाया था। यदि ऐसे करके इमेजिन करो, यदि केवल दो ही वायर होते और मैं ये रॉड लटका था, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है कॉपर ज्यादा खिंच जाता, आयरन कम खिंचता, या आयरन ज्यादा खिंच जाता कॉपर कम खिंचता, लेकिन ये तब होता जब ये दो अलग अलग वायर एंड्स पर होते, लेकिन क्योंकि इसमें दोनों वायर एक जैसे वायर तो एंड पर है, तो ऐसा नहीं हो सकता सीन कि कॉपर ऐसे ये दोनों कि यू ज्यादा खिंच जाए, आयरन कम खिंचे और रॉड ऐसी हो जाए, और नहीं ऐसा हो सकता कि ये वाला कॉपर कम खिंचे, ये वाला आयरन इतना खींचे और ये वाला कॉपर इतना खींचे, ये भी तो कॉपर, ये दोनों तो एक से ही है बिल्कुल, तो इसमें कोई आलतू फालतू नहीं खींचने वाला, रॉड सीधी ही खींचेगी, यदि ये कम खींचेंगे तो इसे भी कम खींचना पड़ेगा, यदि ये ज्यादा खींचेंगे तो ये ज्यादा खींच जाएगा, तो इसका मतलब लेंथ सवाल में दोनों की सेम दे रखी है, टेंशन सब में सेम दे रखी है, ये तो सवाल ने दे रखी है, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा विवेक हमें ये बता गया कि इसमें चाहे वो कॉपर हो चाहे वो आयरन हो, दोनों के एक्सटेंशन भी सेम होंगे। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, दोनों के एक्सटेंशन भी सेम होंगे, बाकी तो सवाल ने दे रखा है, ये हमारी बुद्धि ने बताया, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज थॉट प्रोसेस। ये समझ में आया कि नहीं कि खिंचेंगे भी तीनों बराबर, कोई नहीं बोलेगा यार थोड़ा कीबोर्ड पर भी एक्टिवेट रखा करोगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन ये कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला एफ अपॉन ए डेल्टा एल एल यही चल रहा है, और अभी मैं यंग्स मॉडुलस के ही सवाल करा रहा हूं,
यंग मॉडुलस का फॉर्मूला ये, एफ की जगह एम जी रख सकते हो, एफ की जगह टी भी रख सकते हो, लो मैंने टी रख दिया, एफ हटा के टी रख दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, यदि वैसा होता तो एक्सटेंशन अलग होता अविनाश, वैसा फिगर होता तो एक्सटेंशन अलग होता, फिर हमें निकालना पड़ता। ऐसा सवाल भी है एक आगे एडिशनल में, लेकिन वो एडिशनल में बात करेंगे बाद में। तो ये मैंने मैंने क्या किया, फॉर्मूला तो ये पढ़ रहे हो, अब एफ की जगह टी की जरूरत है तो टी डाल दो। अब मुझे देख के बताना है, क्योंकि मुझे डायमीटर का रेशियो निकालना है और डायमीटर एरिया में आता है, तो एक काम करो एरिया का फॉर्मूला डिजाइन कर लो, टी एल अपॉन वाई डेल्टा एल, टी एल अपॉन वाई डेल्टा एल। तो अब वही साफ बहु सीरियल वाला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये होता है इसलिए एरिया का फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये होता है तो एरिया का ये होगा, टी एल वाई डेल्टा एल, टी एल वाई डेल्टा एल। अब आप समझदार हो, मैंने ये फॉर्मूला तीन तीन बार क्यों लिखा, एक बार तो फॉर्मूला डिजाइन करने में चला गया, एक बार ये फॉर्मूला मैं कॉपर को दूंगा तो कॉपर की टेंशन, कॉपर की लेंथ, कॉपर का वाई, फिर ये फॉर्मूला मैं आयरन को दूंगा, आई लिख देता हूं खाली, है ना, आयरन का आई, तो आयरन में टेंशन, आयरन की लेंथ, आयरन का यंग्स मॉडुलस। अब देखिए मैंने इस बार तो ना तो टी पे लिखा, ना एल पे लिखा, ना डेल्टा एल पे कॉपर डाला, ऐसे इसमें आई 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 नहीं डाला। रीजन, टी सवाल ने सेम दे रखा है कि टी कॉपर आयरन में सेम है, लेंथ सवाल ने सेम दे रखी है, देखो दोनों की दो दो मीटर है, और डेल्टा एल हमने सोचा है कि वो सेम होगा, हमारी बुद्धि ने जवाब दिया है। अब डिवाइड मार दीजिए, जब डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ आयरन, तो ये अल मल टल कट जाएगा, अल मल टल कट जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, है ना, ये एडजस्टमेंट ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमें तो एरिया का नहीं, हमें तो डायमीटर का रेशियो निकालना है, तो एरिया अभी अभी एक सवाल में यूज भी हुआ, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर कॉपर का एरिया, फिर आयरन का पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, क्योंकि जब आप कॉपर का एरिया रखोगे तो कॉपर का डायमीटर डालेंगे, क्योंकि जब हम आयरन का रखेंगे तो आयरन का डायमीटर डालेंगे, बाकी यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, पाई फोर कट गया, तो क्या आ गया यहां पे, डायमीटर ऑफ ऊपर कौन है कॉपर और डायमीटर ऑफ आयरन, दोनों पे स्क्वायर है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, देखो ठीक है। फिर इसको उधर ले जाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर था ना वो यहाँ ले जाता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, टेबल में जाना यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन मिल जाएगा, टेबल में जाना यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर मिल जाएगा, और ये रेशियो 1.31 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लगाइए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से हाँ टाइप कर दो, क्योंकि मैं भी खुश हो जाऊंगा ना थोड़ा सा, मुझ में भी एनर्जी आती है कि मेरे को दो क्लास लेनी है, दो पीरियड लेने हैं, है ना, थोड़ा एनर्जेटिक रहूंगा मैं भी, ठीक है स्वानी देव हर्ष, ठीक है समझ में आ रहा है, इन तीन को ही आया, विधि तुषार कुलदीप, चलिए भूमिका को भी आया, टू को, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब एक सवाल लेते हैं, ये लेते हैं 9.7, ये तो शायद कल नहीं कराया था ना, आज करा देते, 9.7 ये कह रहा है फोर आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम है ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 केजी द इनर, हाँ 11 कराऊंगा, 11 तो छोड़ रखा है बेटा, ठीक है अब आ जाओ, पर 11 की तुझे याद क्यों आई एकदम से, एक मिनट ये कौन है वैसे कुलदीप, ये तुझे 11 की रिक्वायरमेंट क्यों है ये भी, हाँ तो फोर आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल कॉलम है स्टील के और इनर आउटर रेडियस दे रखी है, एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। चलिए सवाल समझाता हूं, जैसे पिलर, जैसे ब्रिज बनते हैं ना, ब्रिज पिलर पे ही तो टिकते हैं, आपका मकान पूरा पिलर पिलर पे टिकता है, तो पिलर पे ऑब्वियसली लोड आ गया। एक्चुअली लो मैं फिगर से कोशिश करता हूं समझाने की, चार सिलेंडर है,
कोशिश करता हूं फिगर से समझाने की। एक सिलेंडर ये रहा, शायद और अच्छे से समझ जाओ, ये एक सिलेंडर ये रहा, चारों आइडेंटिकल सिलेंडर है ना, ये रहा एक, ये रहा सिलेंडर और ये हॉलो है बेटा। अभी इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू भी दिखाऊंगा, ये ठीक है, ये चार सिलेंडर है, इस पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रख दिया है, ऐसे समझो, कुछ समझे, कुछ समझे कि चार पिलर पे कोई बहुत बड़ा लोड रख दिया है। कुछ कुछ फिगर, मेरी हार्ड बॉडी खराब है, बहुत खराब है भैया से, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लो, समझ जाओ कि ये चार पिलर है, उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई, दिमाग में कुछ है नहीं, इस गड्ढिया सी आर्ट से समझ में आया। चलिए अब सुनिए, ये जो सिलेंडर है और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है, 50,000 किलो का है, और थैंक गॉड उसने ये बोला है कि ये जो बोला है 50,000 किलो, ये लोड सब पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब पर यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं किसी पे कम किसी पे ज्यादा है ना। आप मेज देखते हो, अच्छा मेज देखते हो, घर की टेबल देखते हो, टेबल चार पाए होते हैं कि नहीं होते, है ना, चार पाए, चार उन पाए पे पूरा मेज टिकी हुई है, मेज, चलो मेज में तो ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन उस मेज पे इमेजिन करो कोई खड़ा हो जाए, उस मेज पे कोई खड़ा हो जाए तो सारा वजन उन चार पाए पे आ गया ना। चलिए अब ये तो है पिलर का साइड व्यू, इमेजिन करो ये कोई मेरा कैमरा है, यू करके आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, यदि मैं इस पिलर के, ये जो पिलर है ठीक है, ये यहां से आपको दिख रहा है, यदि मैं कैमरा ऐसे ले जाऊं ऊपर और आप लाइव देख रहे होगे, तो पता है आपको ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा, तो वो क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ पिलर, ऑफ पिलर्स, वो ऐसा दिखेगा। क्यों भाई ऐसा क्यों दिखेगा, क्योंकि सवाल ने बोला है कि ये हॉलो सिलेंडर है और इसके एक इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दे रखी है, इनर आउटर रेडियस 60 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस इनर 30 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना ये जो पिलर है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है। तो अब चलिए उसने ये बोला है कि ये पिलर, अच्छा बताओ इस बार पिलर दबाएंगे ना, इस बार कंप्रेशन आ रहा है, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए यंग्स मॉडल्स के वो टेंसाइल स्ट्रेस के थे, टेंसाइल खिंच रहे थे, ये कंप्रेशनल स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, यंग्स मॉडल्स वर्क फॉर बोथ इक्वली, चाहे वो खिंचे चाहे दबे, बस लेंथ चेंज हो रही है तो यंग्स मॉडल्स ही लेना है। अब बताना यंग्स मॉडल्स कैसे पता चला यंग्स मॉडल्स की लेंथ चेंज हो रही है, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप अचानक से भौचक्के हो जाओगे, सर अभी तक तो आप वाई बराबर एफ अपॉन ए वाला लगा रहे थे, एक्चुअली इस सवाल में ना पूरा ये पूछ लिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछ लिया है उसने, ये पूछा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया बोलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वाई, पहले बताइए यहां तक समझ में आया है नहीं, क्योंकि उसने सवाल ने पूछा ही ये स्ट्रेन, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को ना आगे बढ़ा के नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को एफ अपॉन ए लिख दो और इसको डेल्टा एल अपॉन एल लिख दो, तो क्योंकि जरूरत ही नहीं महसूस हो रही मुझे, इसलिए मैंने इसको इसको आगे बढ़ाया ही नहीं, केवल इतने से ही काम चल गया। तो अब बताइए यदि आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है तो वाई तो हम टेबल में से देख लेंगे स्टील का, क्योंकि स्टील ये स्टील का है, पिलर कितने दबे वो तो हम स्टील का रख देंगे, स्टील एस लिख देता हूं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होती है, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है हमें, यदि सवाल करना है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अब आप एक पिलर को टारगेट करिए, मान लो मैं इस पिलर को देखता हूं, मुझे इस ये पिलर कितना दबेगा, कितना स्ट्रेन आएगा, मैं ये फॉर्मूला लगा के पता कर लूंगा, तो मुझे इसकी स्ट्रेस तो पता होनी चाहिए, और एफ की जगह रखूंगा मैं mg अपॉन एरिया। एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है इसका एरिया, क्योंकि इसका जो
क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसा होगा, इसका एरिया निकलेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब आउटर रेडियस है या इनर रेडियस है। देखना मैं थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो, मैं ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा ना, समझ में आ रहा है एरिया, क्योंकि इस बार एरिया ये बीच में तो खोखा है ना हॉलो। देव कह रहा है हाँ, मतलब जल्दबाजी कर रहा हूं, समझ नहीं आया। भूमिका भी कह रही है हाँ जल्दबाजी कर रहे हो आप। हाँ अच्छा समझ आ गया ये कह रहे हो, अच्छा चलिए अच्छा, छाया वगैरह सब अच्छा, जल्दबाजी नहीं, ये कौन है बेटा ये, ऐसे समझ आ रहा है इसका आता। अविनाश थोड़ा थोड़ा क्या, अच्छा मुझे दोबारा बता देना, तुम्हें मैं देख नहीं सकता नहीं तो तुम टाइम आउट ले लेते, ठीक है। ये एरिया तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया है ना, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा यदि अविनाश तेरा क्वेश्चन दोबारा आता है तो मैं ये उम्मीद करता हूं ये तो आप कर ही लोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस ये आपका काम है, तो मैं आपकी मदद इतनी कर देता हूं जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0.85 मीटर स्क्वायर आएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है सर, है ना, एक मिनट देख लू मैं, हाँ तैयारी के साथ आता हूं मैं, 0.85 मीटर स्क्वायर कर लेना ऐसे कैलकुलेट, ठीक है। पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा लेना, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो आपका काम है। मैंने ये एरिया निकाल लिया, एक पिलर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस एरिया पे लोड पड़ गया। अब देखिए एरिया वाला पोर्शन कैलकुलेट कर लिया आपने, अब रह गया एमजी, क्योंकि इस सवाल में ये लिखा है कि ये लोड जो 50,000 किलो का है इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी एक पिलर 12,500 किलो झील रहा होगा, 50,000 का 1/4, 50,000 को 4 में डिवाइड कर दो, समझ में आ गया। तो यहां पर एम की जगह आप 12,500 रखोगे इंटू जी इन अपॉन ए, ये देखिए समझने वाली चीज ये थी, बाकी इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। या एक काम कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो आप, एक और काम कर सकते हो, कौन सा काम, यदि एक बार में आप चारों पिलर, आप मान लो आप नहीं, आप यहां 50,000 रखना चाहते हो, मान लो इमेजिन करो आप यहां 50,000 रखना चाह रहे हो, तो फिर एरिया में 4 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तो मेरी बात ये अकेला थोड़ी नहीं झेल रहा, ऐसे 4 एरिया पर ये स्पेस आई है। तो देखो बेटा सिंपल है, या तो ऊपर 1/4 कर दो, है ना, ऊपर 1/4 कर दो, यानी 12,500 अपॉन एक सिंगल एरिया, या ऊपर 50,000 रखो नीचे 4 times of 1 पिलर एरिया रख दो, बात वही है, कुछ अंतर नहीं आने वाला। तो मैंने आपके लिए स्ट्रेस निकाल के रख दी, स्ट्रेस यहां रख देना, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील रख देना, और यह आंसर आएगा आपका, ये कौन सा सवाल है ये, क्योंकि उसमें गलत दे रखे आंसर, इसलिए मैं आंसर जरूर लिख रहा हूं 7.21 × 10⁻⁷ -7 क्योंकि स्ट्रेन निकाल रहे हो, तो इसलिए इसकी यूनिट नहीं आएगी कोई। अब बता अविनाश, मैं एक बार दोबारा बताऊं या हो गया काम, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई सवाल है ये। हाँ बेटा अविनाश पल्ले पड़ा या नहीं, पल्ले पड़ा, जल्दी से तेरी बस वेट कर रहा हूं क्योंकि बाकियों का तो मुझे मिल गया। हाँ ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए पीछे आते हैं ना, अब एक और बार ग्राफ पे आ जाते हैं। हाँ एक मतलब चारों पिलर बराबर स्ट्रेन आएंगे, एक ही पिलर का आया ये, तुमने एक पिलर का रखा है ना, एक पिलर, तो एक पिलर का स्ट्रेन आ गया, चारों पिलर में बराबर स्ट्रेन आएंगे क्योंकि चारों बराबर बराबर दबे होंगे, ठीक है। चलिए अब आज ग्राफ के क्वेश्चन ले लेते हैं, वापस 9.2 पे आते हैं, 9.2 देखिए वो कह रहा है एक ग्राफ दे रखा है और आपको इस ग्राफ में पहला सवाल है यंग्स मॉडुलस निकालना है और दूसरा अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो मैं थोड़ा अपनी एनसीईआरटी पास में ला रहा हूं, तो यील्ड स्ट्रेंथ पहले तो उस ग्राफ पे जाइए जो मैंने डिस्कशन कराया था, यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट बी, ध्यान है इलास्टिक लिमिट जो थी ग्राफ में, इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस थी, जहां तक बॉडी में इलास्टिसिटी सर्वाइव करती है
उससे ऊपर स्ट्रेस दे दी तो प्लास्टिसिटी डोमिनेंट करने लग जाएगी, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट। तो उसने बोला है अप्रोक्सीमेट। तो बेटा अप्रोक्सीमेट ही आइडिया दे पाओगे, क्योंकि किसी को कुछ लगेगा किसी को कुछ। तो आप अच्छा एक और चीज, इधर जो स्ट्रेस दे रखी है, जैसे तो ये 50 नहीं है, ये 50 × 10^6 है। देखो ऐसे पढ़ना है इसको, 10^6 सब में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जो 100 है वो 100 नहीं है, 100 × 10^6 है। तो जो इसका जो बी क्वेश्चन पहले आंसर दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, अप्रोक्सीमेट वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि सबका पढ़ने का अंदाज अलग अलग हो सकता है उस वैल्यू को। हाँ लेकिन आसपास आएगा, कोई उसको 300 पढ़ रहा होगा, किसी की एनसीईआरटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो 298 पढ़ रहा होगा, 298। तो 300 × 10^6 है मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। और इसको 3 × 10^8 पास कर, ये वाली जो स्ट्रेस है वो ये लिस्ट। दूसरा है इसका मतलब पहला क्वेश्चन कि यंग्स मॉडुलस निकालो। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा ये तब निकाला जाता है जब तक हुक्स लॉ ओबे होते हैं, जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो हुक्स लॉ इतने रीजन में काफी अच्छा हैंडसमली ओबे हो रहा है, तो कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेन ले लो। लेकिन आप ये जो 150 वाली वैल्यू ना, 150 जो है, इस पर स्ट्रेस भी पढ़ने में इजीली आ रही है और स्ट्रेन भी इजीली रीडेबल है। तो मेरी बात सुनना, वैसे तो आप कहीं भी निकालने का हक रखते हो, लेकिन जो काम अच्छे से हो सकता है बुरे से क्यों करें। तो गौर से इस ग्राफ को पढ़िए, देखिए जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 150 × 10^6 है ग्राफ में, तो स्ट्रेन इजीली पढ़ने में आ रही है। चेक करो आ रही है नहीं आ रही, बाकी वैल्यूज को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा और मुश्किल है। तो हम ये देख सकते हैं जब स्ट्रेस 150 × 10^6 है तो स्ट्रेन 0.002 है, यानी 2 × 10^-3, तो 75 × 10^9 पास्कल। देखना जल्दी से बताओ ये समझ में आया है नहीं आया ग्राफ का क्वेश्चन। ये अप्रोक्सीमेट वर्ड था क्योंकि ये ढंग से रीड करने में नहीं आ पा रहा था। ये यंग्स मॉडुलस हमने एक एग्जैक्टली जो वैल्यू क्लियर कट दिख रही है उससे निकाल दिया। जल्दी बोलो समझ में आया है नहीं, ठीक है ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं 9.3 क्या कह रहा है। फिर से एक ग्राफ में मैं पहले बी क्वेश्चन का जवाब दूंगा, पहले बी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बी वो कह रहा है विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। तो जिसने ग्राफ वाली क्लास ज्वाइन की है ना, पिछली क्लास तो थी ग्राफ वाली जिसका सेकंड पार्ट मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया जिसकी वजह से न्यूमेरिकल रिपीट करा दूं, जिसमें बताया था जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा होता है वो ज्यादा डक्टाइल होता है। जिसका प्लास्टिक रीजन एक्चुअली प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा है ना, तो फ्रैक्चर पॉइंट दूर होगा, फ्रैक्चर जहां पे टूट जाता है। तो ग्राफ देख के बताइए फ्रैक्चर पॉइंट किसका दूर है या प्लास्टिक रीजन किसका बड़ा है, एक ही बात है दोनों। ग्राफ देख के बताइए कि फ्रैक्चर पॉइंट किसका दूर है या प्लास्टिक रीजन किसका बड़ा है। जी हाँ ए, ठीक है ए। तो जो वायर ए है वो ज्यादा डक्टाइल है, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, ज्यादा डक्टाइल यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब पहला क्वेश्चन ये विच ऑफ द टू मेटेरियल हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। अब क्या है, अच्छा इस सवाल में तो वैल्यूज दे रखी थी तो हमने वैल्यूज से निकाल लिया। हम एक चीज भी तो जानते हैं, जिसका स्लोप ज्यादा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है वो इलास्टिसिटी होता है, स्लोप इक्वल टू इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी एक्शन में हो वो लिख देंगे, यदि इलास्टिसिटी के तीन रिप्रेजेंटेटिव है ना Y, B और G, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वही। तो इस समय क्योंकि यंग्स मॉडुलस एक्शन में है तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। अब सवाल में यदि मैं ऐसे करके दे दूं तो सबको इजीली दिख जाता है कि देखो सर B का स्लोप ज्यादा है तो B की इलास्टिसिटी ज्यादा है। लेकिन इस सवाल में थोड़ी बदतमीजी है, तो थोड़ा लेंस लगा के चेक करिए स्लोप किसका ज्यादा है, बताइए स्लोप थोड़ा सा लेंस लगा के थोड़ा सा बारीकी से चेक करिए स्लोप किसका ज्यादा है। तो आप पाओगे स्लोप ए का ही ज्यादा है। ये थोड़ा मैं मानूंगा एनसीईआरटी का थोड़ा ढंग से देना चाहिए, लेकिन थोड़ा गौर करोगे तो आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक क्लू देता हूं, वो क्लू ऐसे ही है, ए का ग्राफ ऐसे दे रखा है बी का ऐसे दे रखा है, कितना है ना। तो ए
ऐसे चेक करने में जज नहीं हो पा रहा, लेकिन आप देखोगे ना यहां से तो आपको दिखेगा बी थोड़ा ज्यादा खुल रहा है यहां से ये, और जब ये ज्यादा खुल रहा है तो यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, तो यानी ये कम हो गया, ये ज्यादा खुल रहा है, ये तो दिख जाएगा कि ये ना वाई से ज्यादा खुल गया, और जब वाई से ज्यादा खुल गया है तो ये एंगल थोड़ा कम हो गया होगा। और स्लोप के लिए, स्लोप के लिए यही तो एंगल देखते हैं, अब बताइए, तो यानी ये वाला एंगल तो ए का ही ज्यादा निकला ना, तो ए का स्लोप ज्यादा तो ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राफ के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यंग्स मॉडुलस की पकड़े सवाल, ठीक है, कोई नहीं। अब आते हैं 9.4, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ट्रू और फॉल्स, दो स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रू और फॉल्स पता कर रहे हैं। पहला है कि आप बताइए द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। सेंटेंस ये कह रहा है कि रबर का यंग्स मॉडुलस यानी रबर की इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलास्टिसिटी ना, ठीक है, कि रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा है स्टील से। तो मुझसे पहले पास में तो आपने खूब सुन लिया होगा कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो उस बिहाफ पे आप आंसर दे सकते हो कि सेंटेंस फॉल्स है। लेकिन आज मैं आपको एविडेंस देता हूं, प्रूफ देता हूं, ठीक है। हाँ, हो गया रिकॉर्डिंग बटन ऑन, नहीं तो कल यही भूल गया था। सर बोलना एक बार, ऑल क्लियर, ओके, चलिए। तो 9.4 का पहला क्वेश्चन है, उसके मैं एविडेंस के साथ प्रूफ दे रहा हूं। देखिए, यदि मैं एक स्टील वायर और एक रबर वायर लटका दूं, एक स्टील का और एक रबर का, एक स्टील और एक रबर, दोनों हर मैं जो मैं चीजें एग्जैक्टली सेम ले सकता हूं ना, मैं वो सेम लूंगा। मैंने दोनों की सेम लेंथ ली, दोनों एक जैसा एरिया का लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का, मतलब एक स्टील और एक रबर लिया, भगवान ने जो अंतर बनाया है वो तो अंतर भगवान ही कर, ठीक है ना। मैं तो चीजें सेम लेने की कोशिश कर रहा हूं, एक जैसी लेंथ, एक जैसा एरिया, और दोनों पर एक जैसा लोड लटकाया, एक जैसा लोड, यानी 10 किलो 10 किलो या 5 किलो 5 किलो, तो पता है क्या होगा, लोड लटकाने के बाद इमेजिन करो ये खिंचा, तो ये तो ज्यादा खिंचेगा ना, सब जानते हैं रबर है। तो ये है डेल्टा एल, डेल्टा एल स्टील का, और ये है डेल्टा एल, इतना हिस्सा जो खिंच गया रबर का। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें सेम लेने की कोशिश की, लेकिन डेल्टा एल सेम है नहीं सकता एक जैसा लोड लटकाने के बाद। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, अच्छा बताइए, डेल्टा एल एस और डेल्टा एल आर, रबर स्टील, कौन ज्यादा खिंचा बताओ, कौन ज्यादा खिंचा, बावजूद उसके सेम लेंथ थी, सेम एरिया था, सेम लोड लटकाया, तो सबको पता है रबर ज्यादा खिंचती है, रबर ज्यादा खींची, तो मैंने ग्रेटर देन साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देते हैं। सबको पता है रबर ही ज्यादा खिंचती तो रबर ही है। अब आ जाइए, पर खिंचना इलास्टिसिटी होता ही नहीं है, खिंचने से इलास्टिसिटी जज नहीं होती, ठीक। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, तो एफ अपॉन ए डेल्टा एल एल। अब गौर से देखो इस सवाल में, इसको 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 इसको, दोनों पे लोड एक सा लटकाया है, दोनों पर लोड एक सा लटकाया है, दोनों की लेंथ एक जैसी ली है मैंने, दोनों को एक जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया का लिया है, तो इस सवाल में ये तीन चीजें तो एक सी हुई, चाहे मैं इसके लिए लगाऊं चाहे इसके लिए, तो इसका मतलब ये जो यंग्स मॉडुलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल रह गया। ध्यान रखना बाकी की चीजें कहां गई, बाकी की चीजें इस सवाल में कॉन्स्टेंट थी, एक जैसी थी, तो उन्हें मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन में एडजस्ट कर दिया, तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, दिस इज इक्वेशन टू। ये इक्वेशन ये कहती है जो ज्यादा खिंचेगा उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, ये इलास्टिसिटी तो होता है यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी का रिप्रेजेंटेटिव, तो बताना ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि लेंथ जिसकी ज्यादा होगी खिंचेगी, सॉरी खिंचेगी, एक्सटेंशन जिसमें ज्यादा होंगे वो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, जिसका ये कम होगा वो उसका ज्यादा होगा। तो अब ये बताना, ये वाले मसाले इसमें डाल दो तो जो नई रेसिपी बनेगी फ्रॉम वन एंड टू, इतने तो होशियार हुआ, फ्रॉम वन एंड टू,
बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, दिल से नहीं दिमाग से बताइए किसकी ओर ग्रेटर देन का साइन आएगा, किसकी ओर ग्रेटर देन का साइन आने वाला है? बिल्कुल ठीक सुहानी, ऑब्वियसली स्टील का, क्योंकि स्टील का कम है तो जिसका कम उसका वाई ज्यादा। तो अब बताइए कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो ये ध्यान रखना, फिजिक्स में खिंचना इलास्टिसिटी नहीं होती है, खिंचना पैमाना नहीं है इलास्टिसिटी का। तो इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि ये तो रबर को ज्यादा इलास्टिक बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय अ शियर मॉडुलस। पहले आप मुझे जवाब दीजिए, आप क्या जानते, क्या आपको क्या लगता है ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल, मतलब मैं मदद करता हूं, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, एक मिनट, ठीक है, और इसको मैंने खींच दिया, थोड़ा सा फोर्स लगा के ये खींच दिया, क्या लगता है बताओ? मैंने इसे खींच दिया, अच्छा ये मैं बता चुका हूं शायद, तभी आंसर दे रहे हैं सब लोग, ये मैं बता चुका हूं क्या? मुझे ये बताओ, ये मैं बता चुका हूं क्या? क्योंकि सभी लोग इसलिए सब लोग आंसर दे रहे हैं, चलिए सभी का ट्रू। हाँ जी बेटा, शियर मॉडुलस ही है ये, शियर मॉडुलस लगेगी, लेंथ नहीं खींचेगी, लेंथ तो तब खींचती है। तो जब मैं बता चुका हूं तो क्यों मुड़ मारूं इसको, ठीक है? तो इसको, तो ये तो होगा कल तक की कहानी, अब आगे बढ़ते हैं ना। अब एक काम करते हैं, मैं रेंडमली सवाल उठा रहा हूं, मैं पहले क्योंकि लेंथ वाले तो हो गए, अब मैं रेंडमली उठा रहा हूं, कभी कुछ है ना, ऐसे करके, ताकि आपकी एक रेंडम प्रैक्टिस हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 उठाऊंगा, 14, 15, 16, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा देखिए, जब कोई चीज कंप्रेस होती है, या हम सब जानते हैं वॉल्यूम, बल्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है, और वॉल्यूम स्ट्रेस को एफ अपॉन ए, और वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा वी अपॉन वी, यही तो चल रही है फिजिक्स, यही तो सिखा रहा हूं मैं, है ना। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये प्रेशर लिख देना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं वॉल्यूम स्ट्रेस फ्लूड दे पाते हैं कंफर्टेबली, फ्लूड दे पाते हैं कंफर्टेबली चारों तरफ से, तो इसलिए फ्लूड का प्रेशर दे देते हैं। तो मैं एफ अपॉन ए को बी, एफ अपॉन ए को लिख रहा हूं पी, और डेल्टा वी अपॉन वी तो एज इट इज है, तो इसको एडजस्ट कर दूं मैं, तो ये एडजस्ट हो गया डेल्टा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये वही फॉर्मूला जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो डेल्टा वी अपॉन वी आ गया पी अपॉन वी। इस पर बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 उठाया मैंने, 9.14 पहले, ठीक है, वो क्या कह रहा है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम स्ट्रेन भी है, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी है, और इसमें यदि 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम भी है। तो उसने क्या लाइन बोली है 14 में, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब, यानी आपको डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है, ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। इस सवाल में देखो क्या रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं, कोई ग्लास स्लैब रही है ना, ग्लास स्लैब, उस पे ना ये रही ग्लास स्लैब, खूब सारा प्रेशर पेल के दिया जा रहा है, पेल के तो नहीं 10 atm, ऐसे करके प्रेशर दिया जा रहा है, और वॉल्यूम स्ट्रेस जनरेटिंग तब होती है जब हर तरफ से प्रेशर लगे, एक भी जगह रह नहीं जाए, याद है नहीं याद आपको, एक सिंगल जगह रह नहीं जाए। तो ये ग्लास स्लैब है, उसकी एटेसी की जा रही है प्रेशर से, तो उसमें कितना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, ये इसने पूछा है। तो थैंक गॉड फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का ये लिखा हुआ है, तो आपको पी चाहिए और बी चाहिए, पी की वैल्यू दे रखी है 10 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर, 10 atm ही है ना, 10 atm कहां गया, हाँ सही ठीक। अब एटीएम में ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो बेटा सुन लीजिए, एक एटीएम में
एटीएम को चेंज कर रहा हूं 1.013 इंटू 10^5 पास्कल होते हैं, याद रखना 10 ये वाला और 1 एटीएम में इतने पास्कल होते हैं, 1.013 इंटू 10^5। इसे तो याद करना पड़ सकता है आपको बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर दे, एग्जाम में दे आपको। तो ये 10 यहां एडजस्ट कर देता हूं, तो 1.013 इंटू 10^6 पास्कल का प्रेशर। आपको डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है, पी आपने ये सवाल नहीं दे रखा है, बी बी के लिए क्या करोगे बोलो, बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी तो दिया ही नहीं है, बी तो दिया ही नहीं है। तो इसके लिए हाँ जाओ टेबल देखिए, मैं भी देख रहा हूं पलट रहा हूं, टेबल नंबर 9.3 देखेंगे क्योंकि उसमें बल्क मॉडुलस दे रखा है, और किसका, ग्लास का, 37 × 10^9। ये 37 × 10^9 पास्कल, समझे या नहीं समझे, क्योंकि ग्लास वर्ड था उसने बोला था, तो ग्लास का बल्क मॉडुलस। अच्छा आपने बल्क मॉडुलस क्यों देखा, क्योंकि इसमें ना, या यूं कहिए आपने यही फॉर्मूला क्यों चुना कि यही लगेगा, ये भी तो बात है, यही क्यों चुना कि यही लगेगा, क्योंकि यहां वॉल्यूम में चेंजेस आने लगे। अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए उसमें लेंथ में चेंज आ रहे थे, तो यंग्स मॉडुलस से काम चल रहा था। अब ये पहला ऐसा सवाल है कल से लेके आज तक जिसमें सवाल तो पहले ही है जिसमें वॉल्यूम में चेंज आने लगे, और जब वॉल्यूम में चेंज आएंगे तो बल्क मॉडुलस से ही काम होगा होपफुली। तो अब बताइए अब तो कर ही लोगे, तो फ्रॉम वन आपको निकालना ही डेल्टा वी अपॉन वी है, तो पी अपॉन बी, पी और बी दोनों है ही, ये वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूं आपकी मदद के लिए, कौन सा है ये 14वां क्वेश्चन है, ये आंसर आएगा 2.74 इनटू 10^-5। ठीक है, और यूनिट कुछ आएगी नहीं क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, ऊपर भी वॉल्यूम की यूनिट नीचे भी वॉल्यूम की यूनिट कट जाएगी, या प्रेशर की भी यूनिट पास्कल, बी की भी यूनिट पास्कल, पास्कल से पास्कल कट गया, यूनिट लेस हो गया। ये तो था 14वां सवाल। 15वां देखते हैं, 9.15 वो कह रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ रहा है डेल्टा वी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन माने वॉल्यूम कितना सिकुड़ा, सिकुड़ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब। अब ये ग्लास ना मान के कॉपर मान लीजिए, अब कॉपर की एक ऐसी कर रहे हैं लेकिन इस बार वो क्यूब है, क्यूब की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सुनो, सिंस साइड यानी एल वो 10 सेंटीमीटर यानी 10^10। एक मिनट, ये 15वां है ना, 9.15। चलिए तो एक काम करता हूं, 10 सेंटीमीटर ही रहने देता हूं। चलो तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल क्यूब है ना, एल क्यूब, और ये हो जाएगा 10³, 1000 सेंटीमीटर³। वॉल्यूम हो गया 1000 सेंटीमीटर³। सेंटीमीटर में चलने दो, कोई नहीं बाद में जैसा भी होगा वैसे मैनेज कर लेंगे। अब हमें, मैं भूल गया थोड़ा, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या निकालना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम। हाँ, व्हेन अ सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर, प्रेशर हमको दे रखा है, वॉल्यूम दिया नहीं था, वॉल्यूम मैनेज किया मैंने, प्रेशर दे रखा है 7 × 10^6। अब मुझे बताना आपको ये डेल्टा वी निकालना है, पी दे रखा है, वी आपने निकाल लिया, बी टेबल में जाओ के देखते हैं, बताओ बी टेबल में जाए किसका देखना है, बी कॉपर का, मैं भी पन्ने पलट रहा हूं, कॉपर 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 140 × 10^9 है, 140 × 10^9, ये भी पास्कल, ये भी पास्कल। अब कितने लोगों को लगता है डेल्टा वी निकाल लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट, लो मैं और मदद करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट केवल डेल्टा वी को डिजाइन कर लो, तो केवल डेल्टा वी निकालना है, तो पी अपॉन बी तो है ही, वी को वहां ले जाओ। अब एक चीज और मदद करता हूं आपकी, देखो पी और बी तो सेम यूनिट की है, पास्कल पास्कल, इसकी यूनिट से कट जाएगी, तो वॉल्यूम जिस यूनिट में रखोगे डेल्टा वी उसी यूनिट में आ जाएगा, मतलब इसकी तो कोई यूनिट होने नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली, तो वॉल्यूम आप जिस यूनिट में रखोगे आंसर उसी यूनिट में जनरेट हो जाएगा। तो समझ में आया डेल्टा वी, और इसका जो आंसर दे रखा है जो निकाला है कौन सा 15, बताना मीटर क्यूब एमएम में निकालना, आप लोग एमएम में आप लोग निकालो, बताइए। 16वां सवाल देखते हैं, 9.16। 16वां सवाल क्या कह रहा है,
हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाय 0.1%। हमें पानी का प्रेशर कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि उसका वॉल्यूम 0.1% चेंज हो जाए। पता है क्या दे रखा है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी इन 200 0.1 दे रखा है। ये दे रखा है बेटा हमको। बट मैंने कहा ना ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 0.1 दे रखा है। इस 100 को वहां ले जाओगे तो डेल्टा वी अपॉन वी 10^-3 हो गया, क्योंकि पानी है तो पानी का बी उधर जाके कितना टेबल में से पानी आ जाए, ब्लू पानी 2.2 × 10^9 पास्कल, ठीक है। प्रेशर निकालना है, कितना आसान सवाल है, बोलो आप पे छोड़ा जा सकता है कि नहीं सवाल। उसने बोला है कि इतना वॉल्यूम चेंज करने के लिए, पानी का वॉल्यूम इतना कंप्रेस करने के लिए आपको कितना प्रेशर एड ऑन करना पड़ेगा। तो ये तीनों मैंने इसलिए लाइन से इसलिए कराया क्योंकि आसान सवाल थे, 14, 15, 16। एक का सवाल मैं बताता हूँ बहुत आसान है, 12वां तो बहुत आसान है, आप अपने आप करोगे। चलिए अब आते हैं 9.6 क्वेश्चन, एक बार शेयर मॉडल्स का भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे सवाल कराना मेरी तरफ से भी उचित नहीं है, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिस के लायक नहीं बचोगे। कल से मैं नया चैप्टर कराऊंगा और आपको इस सवाल के सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे, ध्यान रखना। यदि आपको वाकई प्रैक्टिस करनी है तो सॉल्व एग्जाम्पल भी करिए और एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाकी जो भी डाउट होंगे मुझे अलग से पूछ लेना, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। कल तो मैं नया चैप्टर ही चालू कराऊंगा। तो एक सवाल और देख लो, 9.6, एक सवाल और देख लीजिए 9.6, और इतना ही कर लोगे ना काफी है 9.6। उफ, बाकी केवल एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, 6 ये कह रहा है द एज ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल, एक मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच्ड टू अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, द शेयर मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम इट दिस, व्हाट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन। सवाल समझाता हूं, देखिए एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, और इसका एक सिरा दीवार में घुसार दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया, मतलब ये वाला सिरा रिजिडली क्लैंप कर दिया, ये वाला बिल्कुल हिलेगा नहीं, टच से मस नहीं होगा, और इस सिरे पर एक बदन लटकाया जा रहा है, लटकाएंगे बदन ऐसे, बदन लटका के छोड़ दूंगा। तो पता है ये वाला हिस्सा जो शेडेड है वो तो मैंने क्लैंप कर दिया, तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी समझ जाओगे, मेरी आर्ट इतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन समझा पाऊंगा। देखना कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा, इसका 2D व्यू, 2D वर्जन, 2D में सिर्फ इतना बना दीजिएगा पेपर में, ये रिजिड पॉइंट से क्लैंप है, और ये बदन लटक रहा है यार 100 kg। देखना बेटा, ये 3D की कोशिश की है, मैं जबरदस्ती कोशिश करता हूं फिगर बनाने की, ठीक है, पेपर में ऐसे बना लेना, लेकिन ये फिगर समझ में आया है नहीं आया, ये फिगर समझ में आया कि वो सिरा रिजिडली क्लैंप है। इस फिगर को आपने ऐसे तो पढ़ा ही हुआ है ना, ऐसे कि ये वाला सिरा रिजिडली क्लैंप है, यू करके फोर्स लगाता था टेंजेंशियली, ठीक है, ये रहा थीटा बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, ये थीटा, माना ये एक्स है, यही एक्स तो पूछा है सवाल ने, यही वर्टिकल डिफ्लेक्शन कि वर्टिकल साइड में वो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, इतना नहीं आएगा लेकिन फिगर में मुझे इतना तो दिखाना, और ये L 10 सेंटीमीटर है। एक बार जब फिगर समझ में आ जाएगा ये भी आपको आसान लगेगा। और आज का लास्ट सवाल, ठीक है, बहुत है आज, कल से नया चैप्टर। तो हमको अब बताइए कौन सी वाली इलास्टिसिटी उठानी चाहिए, यंग्स, बल्क, शियर। हालांकि उस सवाल ने शियर मॉडल्स दिए तो आप तो कहोगे शियर मॉडल, पर वाकई शेप चेंज हुई है इसकी,
शेप चेंज हुई है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी, याद है ना, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, एफ अपॉन ए तो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन थीटा से रिप्रेजेंट होता था। याद आ गया नहीं आ गया, पहले बताओ ये याद आ गया कि नहीं, ये याद आ गया कि नहीं आ गया, जी इक्वल टू एफ अपॉन ए, इतना तो शियर स्ट्रेस हो गया, और शियर स्ट्रेन इज मेजर बाय द थीटा, और इस थीटा को ध्यान करो आर्क अपॉन रेडियस से मैनिपुलेट करते थे, तो एफ अपॉन ए की जगह एफ अपॉन ए, और इस थीटा की जगह एक्स अपॉन एल, आर्क अपॉन रेडियस, हो गया सवाल। मैंने तो पूरा का पूरा ये फॉर्मूला तक बताया, तो आपको यहां से जी क्या आ गया, एफ अपॉन ए एक्स एल, एफ अपॉन ए एक्स एल, और एक्स निकालना हमको एक्स है, तो एफ एल ए जी, एफ एल ए जी निकालना तो हमें एक्स है कि कितना वो झुक गया। अब बताइए फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्या लिखूं एक्स की जगह, 100 एम जी, एम जी 100 जी, लेंथ कितनी डालूं, लेंथ कितनी डालूं, बोलो बोलो, ये वाली एक्स अपॉन एल था ना, तो लेंथ डलेगी 10 सेंटीमीटर, उसे मीटर में डालिएगा, मीटर में डाल दीजिएगा, एल है 10 सेंटीमीटर यानी 10^-1 मीटर, तो ये एरिया कितना, अच्छा एरिया ये वाला लेंगे जिस एरिया पर शियर स्ट्रेस पड़ रही है, ये वाला लेंगे, तो ये एरिया कितना होगा, क्योंकि क्यूब है तो ये 10, तो ये भी 10 है तो क्यूब ही ना, तो क्यूब का एरिया 10 × 10^2, इसका स्क्वायर कर दो 10^-2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया भी आप पता कर लिए, और जी उसने दे रखा है 25 GPa, जी माने गीगा, 10^9, करिए इस सवाल को, करिए और वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, केवल कैलकुलेशन छोड़ दिया मैंने आप पे, चलो मैं आंसर भी लिख देता हूँ, ये बताइए आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन सा सवाल है ये, हाँ देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 × 10^-7 मीटर, चेक करके बताइए ये आ रहा है कि नहीं,